हेलो ब्रीवन दिस इज विशाल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कल्चर काफ़ी सिंपल टॉपिक है टॉपिक है कल्चर बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ ऐसे टर्म रिलेटेड हैं जो कि एज ए आप जे आर एफ एस आर एफ या नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें भी पूछे जाते हैं या आप बी एस सी के स्टूडेंट हैं या एम एस सी के तो उनके लिए भी सेशन काफ़ी हेल्पफुल है हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को कुछ ऐसे टर्म है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले मैं उसको डिस्कस करता हूँ पहले हमारा जैसे एक टर्म आता है एक्ल्चरेशन ए डबल सी यू एल टी यू आर ए टी आई यू एन तो एक्लचरेशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग कल्चर आइटम फ्रॉम अनदर कल्चर इज नोन एज एक्कल्ट्रेशन एक्ल्चरेसन तो सिंपल से ही इसकी मीनिंग है कि जब हम दूसरी किसी सोसाइटी से या कम्युनिटी से वहाँ से कल्चर को अडॉप्ट करते हैं या बारो करते हैं तो उसी को एक्कल्चरेशन बोला जाता है नेक्स्ट क्या है इस्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर इज तो इस्मॉलेस्ट जो कल्चर की यूनिट है वो कल्चर ट्रेट है ये एग्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट पॉइंट कचे कल्चर हमारा दो टाइप का होता है मटेरियल नॉन मटेरियल उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा एक टर्म आता है कि द ग्रुप ऑफ कल्चर कॉम्पलेक्सेज इज तो उसे कल्चर पैटर्न बोला जाता है जो किसी भी ग्रुप का कल्चर की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसे कल्चर पैटर्न बोलते हैं और जो कल्चर डिफरेंट रेट से चेंज होता है किसी भी सोसाइटी में उसे कल्चरल लैग बोलते हैं दी रजिस्टेंट टू चेंज बाई पीपुल इन ए कल्चर इज कार्ड तो एज अ रजिस्टेंट होता है कुछ सोसाइटी अपने कल्चर को चेंज नहीं करना चाहती तो जो उनका रजिस्टेंस होता है कल्चर जो पुराना उसी को अडॉप्ट करती रहती है नए को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं जो चेंज नहीं करते उसे कल्चर इनआईटीआई बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ कल्चर कल्चर हैज बिन डिफाइंड इन नंबर ऑफ वे सम ऑफ दिस डेफिनेशन आर गिवन बिलो तो सिंपल से अगर हम डेफिनेशन देखें कल्चर की द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज बिलीफ आर्ट मॉरल ला कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटी एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाई पीपुल एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी इज नोन एज कल्चर तो कल्चर क्या है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जो इंक्लूड करता है नॉलेज को बिलीव को आर्ट को मॉरल एक्टिविटीज को कस्टम को और जो अदर कैपेबिलिटीज होती हैं ह्यूमन की कि वो खुद के बिहेवियर में चेंजेस लाता है उसकी सीखने की जो कैपेबिलिटीज़ होती है उसी को सबको मिला के जो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को सोसाइटी में उसी को कल्चर बोला जाता है एक सोरोन ने डिप्रेशन दी थी कल्चर स्टैंड फॉर द मॉरल स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट ऑफ मैन तो सोरोन ने क्या बोला कि कल्चर किसके बेस पे बनता है मॉरल एक्टिविटीज के बीच पे और जो उसकी इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं मतलब बौद्धिक क्षमता होती है उसी के बेस पर कल्चर का निर्माण होता है नेक्स्ट डेविड बिडने डेविड बिडने ने क्या डिफाइन किया कल्चर एज द सेल्फ कल्टिवेशन ऑफ द नेचुरल जियोग्राफिकल तो इनके अकॉर्डिंग जो कल्चर है उस खुद को कल्टिवेट मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करने का ख़ुद को चेंज लाने का जो नेचुरल जियोग्राफिक में मतलब नेचुरल के साथ या मतलब नेचुरल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सोसाइटी सोसाइटी के साथ खुद को मिलके रिप्रेजेंट करके चेंजेस लाना उनके साथ मिलके जो भी है वहाँ से सीखना अपने आप को रिप्रेजेंट करना नेक्स्ट इन्वायरमेंट

जो डिफरेंट डिफरेंट के हमारे एसोसिएशन हैं ऑर्गेनाइजेशन है उनका कल्चर पैटर्न अलग होगा और अकॉर्डिंग टू एरिया के बेस पे जो लैंग्वेज और रिलीजन और आर्ट वो डिफरेंट होते हैं इन्हीं को इन्होंने इन्वायरमेंट बोला था नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर के उसको हम लोग देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल्चर इज लर्नड तो कल्चर लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कम्युनिकेशन ट्रेनिंग तो कल्चर को हम लोग लर्न करते हैं इसके थ्रू जब हम सोशलाइजेशन करते हैं उसके थ्रू देन कम्युनिकेशन करते हैं उससे भी लर्न करते हैं और ट्रेनिंग डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेनिंग होती है उससे भी कल्चर को हम लोग लर्न करते हैं कल्चर इज ट्रांस ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन तो कल्चर जो है वो ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन जो 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 कम्युनिटी होती है या जैसे हमारे मदर फादर से हमको कल्चर मिला तो हमसे जो हमारे आने वाले जनरेशन उसको मिलेगा तो इसीलिए बोला गया है कि कल्चर ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट क्या है कल्चर इज़ यूनिवर्सल एज वेल एज यूनिक तो कल्चर यूनिवर्सल है वो यूनिवर्सल और यूनिक दोनों है नेक्स्ट कल्चर जो है वो बिल्ड्स कन्फर्मिटी तो कल्चर जो है वो बिल्ड करता है कन्फर्मिटी को कल्चर इज एन एक्वायर्ड क्वालिटी तो कल्चर जो एक्वायर्ड क्वालिटी है मतलब एक स्पेस की क्वालिटी है कल्चर इज नॉट इंटेट ट्रेट लर्न थ्रो सोशलाइजेशन हैबिट्स एंड थ्रो आर कार्ड एज कल्चर कल्चर इज लर्नड तो कल्चर को लर्न किया जाता है कल्चर इज सोशल एंड नॉट इंडिविजुअल हेरिटेज ऑफ मैन इट इट इज इंक्लूसिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेंबर ऑफ द ग्रुप इट इज ए सोशल प्रोडक्ट तो कल्चर किसी भी इंडिविजुअल का या किसी इंडिविजुअल के हेरिटेज मैन का हेरिटेज नहीं है वो सबको मिला के उनकी जो एक्सपेक्टेशन है पूरे ग्रुप की उसी को बोला जाता है कल्चर और ये सोशल प्रोडक्ट है कल्चर इज आइडियलिस्टिक कल्चर इन द आइडियज एंड नॉर्म ऑफ द ग्रुप इट इज सम इट इज ए सम टोटल ऑफ द आइडियल पैटर्न एंड नॉर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप तो कल्चर जो है वो आइडियल है कल्चर क्या बनाता है आइडिया को बनाता है नॉर्म्स को बनाता है किसी भी ग्रुप के कल्चर जो होता है टोटल जो आइडिया का पैटर्न होता है और नॉर्म होता है ग्रुप के बिहेवियर का उसको रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कल्चर इज द टोटल सोशल हेरिटेज कल्चर इज लिंक्ड विद पास्ट द पास्ट इन ड्यूर्स बिकॉज इट लिव्स इन कल्चर तो जो कल्चर है वो ये पूछा जाता है कल्चर इज ए मतलब ब्लैंक में पूछा जाए जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट था उसको सोशल हेरिटेज बोला जाता है जो कि हमारे पास्ट जो भी पहले से हमारे उससे जुड़ा हुआ होता है और ओवरऑल जो भी हमने पहली घटनाएं होती है उसको रिप्रेजेंट करता है कल्चर नेक्स्ट इट इज पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू ट्रेडिशन एंड कस्टम तो ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है कैसे जाता है उनके जो ट्रेडिशन होते हैं और कस्टम होते हैं उससे नेक्स्ट कल्चर फुलफिल सम नीड्स तो कल्चर जो है जो हमारी नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करता है कल्चर फुलफिल दो इथिकल एंड सोशल नीड ऑफ द ग्रुप विच आर एंड्स इन देम तो कल्चर कुछ ऐसे इथिकल और सोशल नीड्स होती हैं ग्रुप की जो को खुद ही वो फुलफिल कर देता है कल्चर इज इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम तो कल्चर ओवरऑल इंटीग्रेटेड सिस्टम बोला जाता है कैसे कल्चर पॉजिजेज ऑर्डर एंड सिस्टम इट वेरियस पार्ट आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर एनी एंड एनी न्यू एलिमेंट विच इज इंट्रोड्यूस इज आल्सो इंटीग्रेटेड तो ओवरऑल सबको ये इंटीग्रेट करता है जैसे जो भी उसमें चीज़ें हैं जस्ट लाइक like उनके हैबिट्स हो गए कस्टम्स हो गए नॉर्म्स हो गए फॉक हो गए मोम्स मोर्स हो गए तो उनको सबको मिला के सिंपल वो रिप्रेजेंट करता कल्चर 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 सबको इंक्लूड कर लेता है नेक्स्ट कल्चर इज द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर लैंग्वेज इज द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर तो लैंग्वेज जो है वो चीफ वेकल है कल्चर तो जो लैंग्वेज सही सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देती है किसी टोन के हिसाब से किस एरिया का किस सोसाइटी का मेंबर है तो वही बोला जाता है कि कल्चर की जो हमारी वॉइस है या लैंग्वेज है वो वेकल बोला जाती है जो चलने योग्य होती है मैन लिव्स नॉट ओनली इन द प्रजेंट बट ऑल्सो इन द पास्ट एंड फ्यूचर ही इज इनेबल टू डू तो जो मैन होता है वो सिर्फ प्रजेंट में नहीं जो भी पहले की घटनाएं हो चुकी हैं जो फ्यूचर में उसके साथ होने वाला है उसके साथ जीता है बिकॉज द पॉजिटिव लैंग्वेज बीज ट्रांसमिट टू हिम वॉट वाज लर्न इन द पास्ट एंड एनेबल से उस होते रहते हैं, जो फ्यूचर में आने वाला है, वो उसकी होती है तो उसी कोट करता है Then, culture. Culture क्या फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल इथ्नो सेंट्रेज में कहता है टर्म इतनो सेंट्रेज में क्या होता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इथ्नो सेंट्रेज और एक्स इनमें वो होता है इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ए सोसाइटी टू कंसीडर इट्स ओन कल्चर एज बेस्ट एंड अदर्स एज तो इथेनोसेंट्रेज में एक टेंडेंसी होती है या खुद की मान्यता होती है कि हमारा कल्चर जो है वो सबसे बेस्ट है ये होता है इथेनोसेंट्रेज एक किसी का उल्टा होता है वो होता है एक्स इनोसेंट्रिज्म एक्सिनोसेंट्रिज्म एक्स में क्या होता है कि उसका उल्टा होता है अपोजिट हो जाता है जो कि कोई भी हो कि हम ये मानने लगे कि जो अदर कल्चर है फॉरेन का या दूसरी सोसाइटी का या दूसरे स्टेट का वो कल्चर बेस्ट है तो उसको एक सीनो सेंट्रिक बोला जाता है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन्फीरियर्स क्या होता है इट इज ए फीलिंग वेयर बाय द नेटिव कम टू डिस्पायर फॉरजिनर्स एंड फील सुपीरियर टू देम तो इन्फीरियर खुद को मतलब कम समझना और अदर जो है उनको ज़्यादा समझना जो भी हमारे फॉर्जनर हैं उनके कल्चर को उनके फूड हैबिट्स को उसी को इन्फीरियर बोला जाता है देन फंक्शन ऑफ कल्चर क्या है कल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप सो वन हैज टू कंसीडर द फंक्शन तो कल्चर जो है वो इंडिविजुअल ग्रुप के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है पहला कल्चर अंडर टू हेड्स कल्चर के दो हेड्स होते हैं पहला फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर ग्रुप तो इंडिविजुअल का एक कल्चर होता है ग्रुप का कल्चर होता है इंपॉर्टेंट टू द इंडिविजुअल कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल के हैं पहला इसमें क्या है कल्चर मेक्स मैन ए ह्यूमन बींग रेगुलेट हिज कंडक्ट एंड प्रिपेयर हिम फॉर ग्रुप लाइफ तो कल्चर जो होता है एज ए ह्यूमन को बनाता है मतलब उसकी जो बिहेवियर है उसको बनाता है जिससे उसको रेगुलेट करता है जिससे वो खुद को कंडक्ट करता है सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करता है इट प्रोवाइड हिम ए कम्प्लीट डिजाइन ऑफ लिविंग इट टीचेज हिम वाट टाइप ऑफ फूड ही शुड टेक एंड वाट मैनर हाउ ही

कल्चर प्रोवाइड मैन विद ए सेट ऑफ बिहेवियर इवन फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कल्चर थ्रोली इन्फ्लुएंस हिम सो दैट ही डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्सेज टू कीप हिम रिक्वायरमेंट हिज एक्शन बिकम ऑटोमेटिक एग्जाम्पल फॉर्मिंग ए क्यूक वेयर देयर इज ए रस नेक्स्ट कल्चर प्रोवाइड ट्रेडिशनल इंटीग्रेशन टू सर्टेन सिचुएशन तो कल्चर जो है वो ट्रेडिशनल इंटीग्रेशन प्रोवाइड कराता है कुछ सिचुएशन में लाइक इफ ए कैट क्रॉसेज वे ही पोस्टपोन द जर्नी मान लीजिए इफ एक कैट क्रॉस क्रॉसेस हिज वे ही, ही पोस्टपोन द जर्नी मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया तो आप अपनी जर्नी को कैंसिल कर देते हैं ये क्या हो गया हमारा एक कल्चर कौन सा ये हमारा उसमें आ गया हमारा अगर टैबोज में आता है जब सोशल कंट्रोल आप पढ़ेंगे रूल सोशोलॉजी में तो टैबोज है जैसे पुरानी मान्यताओं को बोला जाता है दी ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर तो ये ट्रेडिशनल जो है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के डिफर डिफर होते हैं फॉर द ग्रुप ग्रुप के लिए कैसे कल्चर इंपॉर्टेंट है कल्चर कीप्स सोशल रिलेशनशिप इंटैक्ट कल्चर इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर मैन बट आल्सो फॉर द ग्रुप हैड देयर बीन नो कल्चर देयर वुड हैव बीन नो ग्रुप लाइफ बाय रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड सेटिस्फाइंग देयर प्राइमरी ड्राइव परटेनिंग दंगर सेल्टर एंड सेक्स इट हैज बीन एबल टू मेंटेन ग्रुप लाइफ तो एक अच्छी सोशल रिलेशनशिप को सोशल रिलेशनशिप को बनाने में कल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो कल्चर होता है वो रेगुलेट करता है हमारे बिहेवियर को कि हम कैसे अपने आप को एज ए मोरल वे में सोसाइटी में प्रजेंट करें इनफैक्ट लाइफ वुड बी हैव बीन पुअर नेस्टी ब्रिटिश एंड शॉर्ट इफ देयर हैड बीन नो कल्चर रेगुलेशन देर इट इज कल्चर विच कीप ऑल सोशल रिलेशन इन टैक्ट तो कहने का मतलब लाइफ जो हमारी काफ़ी एज़ ए लिमिटेड है अगर कल्चर या सोशल रिलेशनशिप में हम लोग कुछ रेगुलेशन नहीं रखेंगे तो जो हमारे संबंध हैं सोसाइटी में वो काफ़ी अच्छे नहीं हो पाएंगे और हम एक जो बेटर लाइफ या स्टैंडर्ड लाइफ होती है या बोला जाए मोरल लाइफ उसको नहीं जी पाएंगे कल्चर ब्रॉडन द डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल कल्चर ब्रॉडन द विज़न ऑफ इंडिविजुअल कल्चर हैव गि ए न्यू विजन टू द इंडिविजुअल बाई प्रोवाइडिंग हिम ए सेट ऑफ रूल फॉर द कॉपरेशन ऑफ़ इंडिविजुअल इट प्रोवाइड हिम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली स्टेट नेशन एंड क्लास एंड मेक पॉसिबल द कॉर्डिनेश एंड डिजन ऑफ लेबर तो कल्चर जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल के इंडिविजुअल को एक न्यू विज़न देता है जैसे वो उसको प्रोवाइड कराता है रूल्स कॉपरेट करना और उसको फैमिली के साथ कैसे उसको रिप्रेजेंट करना खुद को स्टेट के साथ क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन के साथ क्या है क्लास के साथ क्या है जिसके वो कोऑर्डिनेट करके और लेबरों के साथ भी सपोर्ट करके एक ख़ुद को बेटर वे में और जो भी कंट्री में कंट्री और स्टेट के साथ अपना कंट्रीब्यूशन दे नेक्स्ट कल्चर क्रिएट न्यू नीड्स कल्चर कैसे न्यू नीड्स को क्रिएट करता है कल्चर क्रिएट न्यू नीड्स एंड न्यू ड्राइव फॉर एग्जाम्पल थ्रस्ट फॉर नॉलेज एंड अरेंज फॉर द दटिस्फेक्शन इट सेटिस्फाई द एस्थेटिक, मोरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप इन दिस वे ग्रुप बी मस्ट टू कल्चर तो कहने मतलब कल्चर जो है एज ए मान लीजिए हमें थ्रष्ट लगी है तो हम हमें नॉलेज होगी तो हम उसका अरेंज करेंगे सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी प्याज बुझाने के लिए नेक्स्ट कल्चरल लैक ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया था कल्चरल लैक क्या है कल्चरल लैक मीन्स सम पार्ट ऑफ पीपुल कल्चर डो नॉट चेंज एज डू अदर ट्रेट इट मीन्स डेट वन आर मोर फेजेज ऑफ कल्चर हैव मूव ए हेड एंड दैट ऑल अदर फेजेज आर लैगिंग बिहाइंड तो कल्चरल लेक का सिंपल सी मीनिंग यही है यह कि जो डिफरेंट रेस रेट से कल्चर चेंज होता है उसी को कल्चरल लैग बोला जाता है मान लीजिए कुछ सोसाइटी में बहुत तेज़ी से हो रहा है कुछ एरिया में बहुत लो से हो रहा है कल्चर चेंज उसी को कल्चरल लैक बोला जाता है दैन मार्जिनल मैन क्या होता है डिफरेंस इन कल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस ए मार्जिनल मैन ए पर्सन हु इज लिविंग इन टू कल्चर इज लाइकली टू ऑकुपाई नॉट द सेंटर ऑफ आदर बट बाई द मार्जिन ऑफ बोथ हे द मैन हु बिलोंग टू टू आर मोर कल्चर बट इट इज नॉट फी एक्सेप्टेड इन एनी ए माइग्रेंट हुज मूव इन टू ए डिस डिफरेंट कल्चर एरिया फ्राम दन इन विच ही ग्रू द मैन हुड इज लाइगरी टू बी मार्जिनल मैन तो जो मार्जिनल मैन होता है वो दो कल्चर में जीता है जैसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रहता है विलेज में भी रहता है सिटी में भी रहता है तो उसको दोनों कल्चर के पैटर्न पता होते हैं किसी को तो ना ही वो किसी का एक का नहीं होता है जब यहाँ पर जाता है तो उस हिसाब से अपने आपको प्रेजेंट करता है वहाँ पर जाता है तो आप अपने आपको वहाँ प्रेजेंट करता है जैसे जस्ट लाइक इसमें कुछ रूरल एरिया के स्टूडेंट होंगे जो कि रूरल के जो ट्रेडिशन होते हैं कस्टम होते हैं कल्चर पैटर्न होता है और ड्रेसिंग पैटर्न वो अलग होता है तो आप यूनिवर्सिटी में खुद को अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ का कल्चर पैटर्न अलग अलग होता है बट यहाँ का कल्चर आप अगर अपने घर पर लेकर जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहाँ का पैटर्न अगर यहाँ पर लेकर आएंगे तो आप ट्रेडिशनल माने जाएंगे इसलिए आप जिस सिचुएशन में है उसी आपसे आपको रिप्रेजेंट करना होता है नेक्स्ट कस्टम क्या है कस्टम आर सोशली प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ बिहेवियर ट्रांसमिटेड बाय ट्रेडिशन तो कस्टम जो होते हैं एक सोशली सोशली एक्सेप्टेड हैं जिस फॉर्म ऑफ बिहेवियर है जो ट्रांसमिट होता है ट्रेडिशन से ट्रेडिशनल से कस्टम रेगुलेट द होल ऑफ मैन एक्शन हिज बाथिंग वॉशिंग कटिंग हिज हेयर ईटिंग ड्रिंकिंग एक्सेट्रा कस्टम आर वेल एस्टैब्लिश एंड डिफिकल्ट टू चेंज जो कस्टम होते हैं वो सोसाइटी के कुछ मैनर बना दिए जाते हैं कि आपको कैसे नहाना है कैसे कपड़े को धोना है कैसे आपको आपके हेयर कैसे कट होने चाहिए आपको ईटिंग मतलब बैठने का तरीका क्या आपको भोजन के समय होना चाहिए आपको पानी कैसे पीना है जो कि एक वेल बे, इस्टेबलिश्ड हो जाते हैं और जिसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है वो कस्टम्स होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम अगर कस्टम का हम क्लासिफिकेशन देखें फॉक यूज हो गया मोर्स एंड टेबो हो गया कन्वेंसन्स हो गया रिचुअल्स हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर इट प्रोवाइड ए सीरीज ऑफ पैटर्न वेयर बाई द बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ द ग्रुप मेंबर कैन बी मीट एक्जाम्पल फॉर सब्सिस्टेंस सेल्टर एंड रिप्रोडक्शन इट प्रोवाइड ए सेट ऑफ रूल टू इन्श्योर द कॉपोरेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप इन एडजस्टिंग द इनवायरमेंटल सिचुएशन इट प्रोवाइड चैनल ऑफ इंडक्शन फॉर द इंडिविजुअल विद द ग्रुप तो एक एज ए प्रोवाइड कराता चैनल जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेक्ट कर सके और एक कॉपरेट करना सिखाता है इंडिव्यजुअल को किसी भी ग्रुप के साथ जिससे वो किसी भी इन्वायरमेंटल सिचुएशन में एडजस्ट कर लें कल्चर जो प्रोवाइड कराता है वो मैथड देता है इंटरनल और एक्सटर्नल नीड को फुलफिल करने का फॉर इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी कल्चर प्रोवाइड ए रेडीमेड एडजस्टमेंट ए नंबर ऑफ सिचुएशन बीस टू दिच है मतलब अब जो ये पैटर्न ड्रेसिंग पैटर्न का चला गया पहले जो भी कपड़े थे वो टेलर के पास सबसे लोग पहनते थे अब अजन टाइम पर रेडीमेड चले गया तो ये कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स हैल्चर कल्चर के क्या रोल है लर्निंग द कस्टम फॉक वे मोर टैबोज एक्ट्रा ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल विल है डू इन गिवन सिचुएशन तो जब हम कस्टम का लर्न करते हैं फॉकवे का मोर्च का टैबोज का तो हमको किसी भी ग्रुप के पीपुल का एज ए बिहेवियर उनका कल्चर पता चलता है जिससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या सिचुएशन चाहते हैं विदाउट सच प्रिडिक्टिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाट दुड डू इन ए गिवन सिचुएशन द रिजल्ट वुड बी ए इन ए सोसाइटी कल्चर इज नॉट स्टेटिक बट डायनेमिक बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज तो कल्चर स्टेटिक नहीं है जबकि डायनेमिक है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डेवलपमेंट प्रोग्राम आर सच एक्सटर्नल फोर्स एंड विच चेंज द कल्चर ऑफ द सोसाइटी तो जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलते हैं जो बाहर अधिकारी देते हैं वो एक्सटर्नल कल्चर हो गए हैंस इट इज ए इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सटेंशन वर्कर टू अंडरस्टूड दिस फैक्ट द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर ऑफ द पीपल एम होम एक्सटेंशन वर्कर ऑपरेट इज द बेसिक टू अफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ हज फंक्शन इफ कास्ट स्ट्रक्चर इज द देयर इन द दे विलेज स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम एंड फंक्शन तो हमारे जो जो कास्ट कास्ट सिस्टम होती है सोसाइटी में या विलेज लेवल पे उसको स्टडी किए बिना आप एज ए जो भी एक्सटेंशन वर्क वो इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं सो गाइस सेशन को मैं एंड करता हूँ आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी स्टूडेंट हमारे हैं यू जी के पी जी के और जो भी प्लेसन कर रहे हैं जे आर एफ पे सर एफ कीनेट की अगर अदरवाइज आपका को कोई डाउट या सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा सेशन मैं एंड करता हूँ थैंक यू फॉर लिसनिंग